हेलो दोस्तों, आप जानना चाहते हैं बेंटन क्यों बंद हुआ, तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, बेंटन बंद होने का रीज़न यह था कि बेंटन ओमनीबस, पहले हम ये जानते हैं कि बेंटन शुरुआत कहाँ से हुई। बेंटन की शुरुआत हुई थी 2005 से बेंटन के नाम से। फैंस ने इसको बहुत पसंद करा, ये शुरुआती सीरीज थी, इसने खूब पैसे कमाए। इसके बाद बेंटन काफ़ी चर्चा होने लगी। बेंटन 2005 से 2008 तक चला, इसने काफ़ी पैसे कमाए। इसके बाद बेंटन 2008 में बंद हो गया। उसके बाद आया 2008 में बेंटन एलियन फोर्स, इसको भी लोगों ने काफ़ी अच्छा माना, इसने भी काफ़ी पैसे कमाए और इसमें एलियन भी बहुत ही अच्छे दिखाए गए थे। इसके एक कैरेक्टर आर्ट भी बहुत बढ़िया थी, इसमें केविन भी इनकी साइड आ गया था, केविन भी इनके साथ की टीम में था। बेंटन अल्टीमेट एलियन 2010 में बंद हो गया। 2010 के बाद आया बेंटन अल्टीमेट एलियन। इस सीरीज में हर एक एलियन के अल्टीमेट रूप दिखाए गए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ह्यूमंगस सौर का अल्टीमेट ह्यूमंगस सौर, इसने भी काफ़ी पैसे कमाए, इसने भी बहुत ही प्रॉफिट में कही ये भी सीरीज। के बाद आया कार्टून नेटवर्क ने निकाला बेंटन ओमनीवर्स, और यहीं पर बात ख़राब हो गई क्योंकि इसकी कैरेक्टर आर्ट बेकार थी। हालांकि इसकी स्टोरी बहुत बढ़िया थी, लेकिन इसकी कैरेक्टर आर्ट ख़राब होने के कारण ये सीरीज फ्लॉप हो गई। कार्टून नेटवर्क ने इसको सबसे ज़्यादा पैसे कमाने के लिए बनाया गया और यही सीरीज फ्लॉप हो गई। इसके बाद 2 साल तक बेंटन बंद हो गया और 2 साल के बाद फिर बेंटन निकाला गया बेंटन रिबूट के नाम से। इसको भी लोगों ने बहुत ही ख़राब माना, ये सीरीज भी फ्लॉप हो गई। ये सीरीज में बेंटन की स्टोरी ना तो किसी चीज़ से जुड़ी हुई थी, इसलिए बेंटन को बंद कर दिया गया। मेरे ख्याल से बेंटन वापस आएगा, आप अपनी राय दीजिए कमेंट में लिख के। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ओके, बाय।